जय राम जय जय राम अनुज जानकी राम। कथा प्रारंभ होत है सुनो वीर हनुमान, लय लय आसन बैठिए वीर मलखान। लखन सिया राम चंद शंकर हरि उमा, उमापति महादेव जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। आज त्रयोदशी है अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल कौशलाधीश। सीताराम शोभा देख हरषि मुनि स्तुति कर सुरीश। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि उमा। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु श्री कौशलाधीश की शोभा देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे। जय राम शोभा धाम दायक प्रण, जय राम शोभा धाम दायक प्रणत विश्राम। घृत सोन बर सर चाप, भुज दंड प्रबल प्रताप। शोभा के धाम शरणागत को विश्राम देने वाले श्रेष्ठ तरकस धनुष और बाण धारण किए हुए प्रबल प्रतापी भुज दंडों वाले श्री रामचंद्र जी की जय हो। जय दुष्ट नारी खरारी मर्दन निशाचर धारी, यह दुष्ट मर्यो नाथ भय देव सकल सनाथ। श्री राम हे खर और दूषण के शत्रु और राक्षसों की सेना के मर्दन करने वाले आप की जय हो। श्याम हे नाथ आपने इस दुष्ट को मारा जिससे सब देवता सनाथ सुरक्षित हो गए। जय हरन धरनी भार महिमा उदार अपार, जय राम नारी कृपाल किए जातु धान बिहाल। श्याम हे भूमि का भार हर हरने वाले, हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु हे कृपालु आपकी जय हो। आपने राक्षसों को बेहाल तहस नहस कर दिया। लंकेश अति बल गर्व किए वैश्य सुर गंधर्व, मुनि सिद्ध नर नांग मुनि सिद्ध नर खग नांग, हटि पंथ सबके लाग। लंकापति रावण को अपने बल का बहुत घमंड था, उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने बस में कर लिया था और वे मुनि सिद्ध मानुष पक्षी और नाग आदि सभी के हठ पूर्वक हाथ रोकर पीछे पड़ गया था। पर दोह रथ अति दोष्ट पायो सुफल पापिष्ट, अब सुनहु दीन दयाल राजीव नयन विशाल। ये दूसरे से दोह करने में तत्पर और अत्यंत दुष्ट था, उसे पापी ने वैसा ही फल पाया। अब हे दीनों पर दया करने वाले, हे कमल के समान विशाल नेत्र वाले सुनिए। मोहि राय की अभिमान नहीं को मोहि समान, अब देख प्रभु पद कंज गत मान प्रद दुख पुंज। श्री राम मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर अब प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन करने से दुख समूह का देने वाला मेरा वह अभिमान जाता रहा। श्री राम को ब्रह्म निर्गुण ध्याव अभिव्यक्त नहीं सुति गाव, मोहि भाव कौशल भूप श्री राम सगुण स्वरूप। कोई उन निर्गुण ब्रह्मा का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद अव्यक्त निराकार करते हैं, परंतु हे राम जी मुझे तो आपका ये सगुण कौशल राज स्वरूप ही प्रिय लगता है। वैदेही अनुज समेत मम हृदय करहु निकेत, मोहि जानिए निज दास दे भक्ति रमानिवास।
श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइए। हे रमा निवास श्री राम, मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति दीजिए। दे भक्ति रमा निवास, रास हरण शरण सुखदायकम, सुख धाम राम नमामि, काम अनेक छवि रघुनायकम, सुर बृंद रंजन द्वंद भंजन मनुज तनु अतुलित बलम, ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम नमामि करुणा कोमलम। राम 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 राम, जय हो बजरंगी, शांति से महाराज। हे रमा निवास, हे शरणागत के भय को हरने वाले और उसे सब प्रकार का सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे सुख के धाम, हे अनेकों कामदेवों की छवि वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव समूह को आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख दुख आदि द्वंद्वों के नाश करने वाले, मानुष शरीर धारी अतुलनीय बल वाले ब्रह्मा और शिव आदि से सेवनीय करुणा से कोमल श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। राम प्रभु की कृपा भयव सब काजू, सीताराम 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 जन्म हम सुफल भायाजू, सीताराम 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 सीताराम। अब करी कृपा बिलो की मोहियाय सुदेव कृपाल, सीताराम काहे करौ सुन प्रिय बचने बोले दीन दयाल, लखन सिया राम चंद शंकर हरि उमा। ही कृपालु अब मेरी ओर कृपा करके, कृपा कृपा दृष्टि से देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूं। इंद्र के ये प्रिय वचन सुनकर दीन दयालु राम जी बोले, सुन सुरपति कपि भालु हमारे, सीताराम 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 सीताराम, परे भूमि चरण के मारे, सीताराम 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 सीताराम, मम हित लाग तजे इन प्राणा, सीताराम 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 सीताराम, सकल जियाव सुरेश सुजाना, सीताराम 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 सीताराम। हे देवराज सुनो, हमारे बानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है, पृथ्वी पर पड़े हैं, इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए। हे सुजान देवराज, इन सबको जिला दो। सुन खगेश प्रभु कहे यह बानी, सीताराम 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 सीताराम, अति अगाध जानहि मुनि ज्ञानी, सीताराम 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 सीताराम, प्रभु सके त्रिभुवन मारी जियाए, सीताराम 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 सीताराम, केवल सक्रहि दीन बड़ाई, सीताराम 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 सीताराम। यहाँ पर प्रभु श्री राम इंद्र के द्वारा लंका में राम दल एवं रावण के दोनों जहाँ भयंकर युद्ध हुआ था, वहाँ पर देवराज इंद्र के द्वारा अमृत की वर्षा करवाते हैं। कागभूषण जी कहते हैं, हे गरुण सुनिए, प्रभु के ये वचन अत्यंत गहन गूढ़ हैं, ज्ञानी मुनि ही इन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्री राम जी त्रिलोकी को मार कर दिला सकते हैं, यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र को बढ़ाई दी है। सुधा बरसी कपि भालु जी आए, सीताराम 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 सीताराम, अमृत की वर्षा यहाँ पर हो जाती है। हरषि उठे सब प्रभु पहीं आए, सीताराम 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 सीताराम, सुधा बृष्टि भय दोहूं जल ऊपर, सीताराम 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 सीताराम, ये भालु कपि नहीं रजनी चर, सीताराम 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 सीताराम। इंद्र ने अमृत बरसाकर बानर भालुओं को जिला दिया, सब हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों दलों पर हुई, पर रीछ बानर जीवित
रीछ बानर ही जीवित हुए राक्षस नहीं श्री राम। रामाकार भये तिनके मन सीताराम 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 सीताराम। मुक्त भये छूटे भव बंधन सीताराम 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 सीताराम। सुर अंशिक सब कपि अरुली छा सीताराम 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 सीताराम। जिय सकल रघुपति की इच्छा सीताराम 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 सीताराम। क्यों? क्योंकि राक्षसों के मन में तो मरते समय रामाकार हो गए थे, अतः वे मुक्त हो गए, उनके भाव बंधन छूट गए। किंतु बानर और भालू तो सब देवार्ष भगवान की लीला के परिकर थे, इसीलिए बंधन इसीलिए वे सब श्री रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए, पुनः जीवित हो गए। राम सरिस को दीन हितकारी सीताराम 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 सीताराम। तिन्हे सुकत निसाचर जारी सीताराम 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 सीताराम। खलमल धाम काम रत रावण सीताराम 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 सीताराम। गति पाई जो मुनिवर पावन सीताराम 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 सीताराम। श्री रामचंद्र जी के समान दीनों को हित करने वाला कौन है, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया। दुष्ट पापों के घर और पापी रावण ने भी वह गति पाई, जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते। प्रभु की कृपा भय सब काजू सीताराम 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 सीताराम। जन्म हमारे सुफल भाया जू सीताराम 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 सीताराम। सुमन बरसी सब सुर चले चढ़ी चढ़ी रुचिर विमान सीताराम। देख सुअवसर प्रभु पही आयव शंभु सुजान। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि उमा। फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ चढ़ कर चले। तब सुअवसर जान कर सुजान शिव जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए। परम प्रीत कर जोरी जुग नलिन नयन भर बारी सीताराम। पुलकित तन गद गद गिरा विनय करत त्रिपुरारी विनय करत त्रिपुरारी। लखन सिया राम चंद शंकर हरि उमा। और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर और गद गद बाणी राम गद गद बाणी से त्रिपुरारी शिवजी विनती करने लगे। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम। माम भी रक्षम रघुकुल नायकम गत बर चाप रुधिर कर सायकम। मुहि रहा महा धन पटल प्रभंजन संत विपिन अनल सुर रंजन। हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में शेष धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महा हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में शेष धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोह रूपी मेघ समूह के उड़ाने के लिए प्रचंड पवन है। संशय रूपी मन के भस्म करने के लिए अग्नि है और देवताओं को आनंद देने वाले हैं। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर सीताराम 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 सीताराम। ब्रह्म तम प्रबल प्रताप दिवाकर सीताराम 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 सीताराम। काम क्रोध मद गद पंचानन सीताराम 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 सीताराम। बसहु निरंतर जन मन कानन सीताराम 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 सीताराम। आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर हैं। ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य हैं। काम क्रोध और मद रूपी हाथियों के वध के लिए सिंह के समान आप
इस सेवक के मन रूपी वन में निरंतर निवास कीजिए। विषय मनोरथ पुंज कुंज मन सीताराम 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 प्रबल तुषार उदार पार मन सीताराम 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 बहुवारिद मंदर परम दर सीताराम 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 वार तार संसति दुस्तर सीताराम 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 विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल नयन के नाश के लिए आप प्रबल पाला हैं। आप उदार और मन से परे हैं। भाव सागर को मथने के लिए आप मंदराचल पर्वत हैं। आप हमारे परम श्री राम भय को दूर कीजिए और हर्ष दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए। श्याम गाते राजीव बिलोचन सीताराम 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 दीन बंधु प्रणतार तिमोचन सीताराम 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 अंज जानकी सहित निरंतर सीताराम 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 बसहु राम नृपमम उर अंतर सीताराम 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 मुनि रंजन महिमंडल मंडन सीताराम 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 तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन सीताराम 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 हे श्याम सुंदर शरीर हे कमल नयन हे दीन बंधु हे शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले हे राजा रामचंद्र जी के आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी जी सहित निरंतर मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिए। आप मुनियों के आनंद देने वाले पृथ्वी मंडल के भूषण तुलसीदास के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। प्रभु की कृपा भय सब काजू सीताराम सीताराम राम जी सीताराम सीताराम जन्म हमारे सुफल भायाजू सीताराम 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 नाथ जब ही कौशलपुरी हो तिलक तुम्हारी सीताराम कृपा सिंधु मैं आवभु देखन चरित उदार जखन सिया राम चंद्र शंकर हरि उमा हे नाथ आप अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा तब हे कृपा सागर में आप की उदार लीला देखने आऊंगा करी विनती जब शंभु सिधाए सीताराम 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 तब प्रभु निकट विभीषण आए सीताराम 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 नाई चरण सिरु कहे मृदु बानी सीताराम 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 विनय सुनहु प्रभु सारंग पानी सीताराम 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 जब शिव जी विनती करके चले गए तब भीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी से बोले हे सारंग धनुष के धारण करने वाले प्रभु मेरी विनती सुनिए। सकुल सदल प्रभु रावण मारे ओ सीताराम 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 पावन जसत भुवन निसता विस्तार्य ओ सीताराम 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 दीन मलिन हीन मति जाती सीताराम 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 मोह पर कृपा कीन बहु भाति सीताराम 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 आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया त्रिभुवन में अपना पवित्र ऐश फैलाया और मुझ दीन पापी बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार से कृपा की अब जन गुण अब जन ग्रह पुनीत प्रभु की जय सीताराम 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 मंजनु करिए समर समी जय सीताराम 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 देश मंदिर संपदा सीताराम 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 सीताराम
देहु कृपाल कपिन कहूँ मुदा सीताराम 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 सीताराम। अब हे प्रभु इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहाँ चलकर स्नान कीजिए जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु खजाना महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नता पूर्वक बानरों को दीजिए। सब विधनाथ मोहि अपनाइए सीताराम 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 सीताराम। पुनि मोहि सहित अवधपुर जाइए सीताराम 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 सीताराम। सुनत बचन मृदु दीन दयाला सीताराम 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 सीताराम। सजल भय दो नयन विशाला सीताराम 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 सीताराम। हे नाथ मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और फिर हे प्रभु मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही दीन दयालु प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। प्रभु की कृपा भय सब काजू सीताराम 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 सीताराम। जन्म हमारे सुफल भयाजू सीताराम 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 सीताराम। और कोश ग्रह मोर सब सत्य वचन सुन ब्रात सीताराम। भरत दशा सुमिरत मोहिनी मिथ कलप समझात लखन सिया राम चंद शंकर हरि उमा। श्याम जी ने कहा हे भाई सुनो तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है ये बात सच है पर भरत जी की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तापस भेष गात कृष जपत निरंतर मोहि सीताराम। देखो बेग सो जतन करू सखा निहोरं तोही लखन सिया राम चंद शंकर हरि उमा। तपस्वी के भेष में कुसे दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जप रहे हैं। हे सखा उसी उपाय राम वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे निहोरा अनुरोध करता हूँ बीते अवधि जाऊं जो जियत न पावूं वीर सीताराम। असुमिरत अनुज प्रीत प्रभु पुनि पुनि पुलक शरीर लखन सिया राम चंद शंकर हरि उमा। यदि अवधि बीत जाने पर जाता हूँ तो भाई को जीता न पाऊंगा। छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। करहु कलप भरी राज तुम मोहि सुमिरहु मन माहि सीताराम। अपुनी मम धाम पठाई हहूं जहां संत सब जाही जहां संत सब जाही लखन सिया राम चंद शंकर हरि उमा। श्री राम जी ने फिर कहा हे विभीषण तुम कल्प भर राज करना मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहाँ सब संत जाते हैं। सुनत विभीषण बचन राम के सीताराम 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 सीताराम। हरषि गहे पद कृपा धन के सीताराम 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 सीताराम। बानर भालु सकल हर साने सीताराम 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 सीताराम। गहि प्रभु पद गुण विमल बखाने सीताराम 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 सीताराम। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही विभीषण जी हर्षित होकर कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। सभी बानर भालू हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़ कर उनके निर्मल गुणों का बखान करने लगे। बहुर विभीषण भवन सिदायो सीताराम 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 सीताराम। मणिगण बसन विमान भरायो सीताराम 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 सीताराम। लय पुष्पक प्रभु आगे राखा सीताराम 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 सीताराम। हसी
करी कृपा सिंधु तब भाका सीताराम 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 सीताराम। फिर भीषण जी महल को गए और उन्होंने मणियों के समूहों रत्नों से और वस्त्रों से विमानों को भर लिया। फिर उस पुष्प विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपा सागर श्री रामचंद्र जी हंस कर कहा, करी विमान सुन सखा विभीषण सीताराम 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 सीताराम। गगन जाई बरसहु पट भूषण सीताराम 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 सीताराम। नभ पर जाई विभीषण तबहीं सीताराम 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 सीताराम। बरस दिए मनी अंबर सबहीं सीताराम 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 सीताराम। हे सखा विभीषण सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों को बरसा दो। तब आज्ञा सुनते ही विभीषण जी आकाश में जाकर सम्मणियों और वस्त्रों को बरसा दिया। जोई जोई मन भावई सोई लेहीं सीताराम 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 सीताराम। मणि मुख मेली दारी कपि देहीं सीताराम 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 सीताराम। हसे राम श्री अनुज समेता सीताराम 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 सीताराम। परम कौतकी कृपा निकेता सीताराम 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 सीताराम। जिसके मन को जो अच्छा लगता है वे वही ले जाता है। मणियों को मुंह में लेकर बानर फिर उन्हें खाने की चीज ना समझ कर उगल देते हैं। यह तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित हंसने लगे। प्रभु की कृपा भयव सब काजू सीताराम 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 सीताराम। जन्मे हमारे सुफल भायाजू सीताराम 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 सीताराम। मुनि जही ध्यान न पावहिं तिने की कहे बेजू, कृपा सिंधु सोई कपिन सने करत अनेक विनोद। लखन सियाराम चंद्र शंकर हरि उमा। जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते, जिन्हें वेद नेत नेत कहते हैं, वे ही कृपा के समुद्र श्री राम जी बानरों के साथ अनेकों प्रकार के विनोद कर रहे हैं। उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम सीताराम। राम कृपा नहीं करही तसी जसी निस केवल प्रेम। लखन सियाराम चंद शंकर हरि उमा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अनेकों प्रकार के योग जप दान तप यज्ञ व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते जैसी अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। बालू कपिन पट भूषण पाए सीताराम 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 सीताराम। पहिरी पहिरी रघुपति पहीं आए सीताराम 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 सीताराम। नाना दिन से देख सब कीता सीताराम 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 सीताराम। पुनि पुनि हसत कौशला दीता सीताराम 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 सीताराम। भालुओं और बानरों ने कपड़े गहने पाए और उन्हें पहन पहन कर वे श्री रघुनाथ जी के पास आए। अनेकों जातियों के बानरों को देखकर कौशल पति श्री राम जी बार बार हंस रहे हैं। सीतई सबनी पर कीनी दाया सीताराम 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 सीताराम। बोले मृदुल बचन रघुराया सीताराम 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 सीताराम। तुम्हारे बल में रावण मारे सीताराम 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 सीताराम। तिलक विभीषण कहाँ पुनि सार्यो सीताराम 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 सीताराम। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर वे कोमल वचन बोले, हे भाइयों,
तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का राज तिलक किया। अनिजे निज ग्रह अब तुम सब जाहू, सीताराम 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 सीताराम, सुमरहु मोहि डर पहु जन काहू, सीताराम 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 सीताराम, सुनत बचन प्रेमा कुल बानर, सीताराम 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 सीताराम, जोरी पानी बोली सब सादर, सीताराम 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 सीताराम। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं श्री राम। ये वचन सुनते ही सब बानर प्रेम से दुहल होकर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक बोले, प्रभु जोई काऊ तुम ही सब सोहा, सीताराम 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 सीताराम, हमारे होते बचन सुनी मोहा, सीताराम 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 सीताराम, दीने जान का पिसिए सना था, सीताराम 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 सीताराम, तुम्हें त्रिलोक ईश रघुनाथा, सीताराम 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 सीताराम। प्रभु आप जो कुछ भी कहें आपको सब सोता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी आप तीनों लोकों के ईश्वर हैं, हम बानरों की को दीन जान कर ही आपने सनाथ कृतार्थ किया है। सुनी प्रभु वचन लाज हम मरही, सीताराम 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 सीताराम, मसक काहू खगपत हित करही, सीताराम 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 सीताराम, देखी राम रुख बानर लीखा, सीताराम 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 सीताराम, प्रेम मंगन नहीं ग्रह कै इच्छा, सीताराम 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 सीताराम। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हमें लाज के मारे मरे जा रहे हैं, कहीं मच्छर भी गरुण का हित कर सकते हैं। श्री राम जी का रुख देख कर रीछ बानर प्रेम में मगन हो गए, उनकी घर जाने की इच्छा नहीं है। प्रभु प्रेरित कपि भालु सब राम रूप उरे राखि, सीताराम हर्ष विषाद सहित चले विनय विविध विध भाखी, लखन सियाराम चंद शंकर हरि उमा। परंतु प्रभु की प्रेरणा आज्ञा से सब बानर भालू श्री राम जी के रूप को हृदय में रख कर और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद रहित घर को चले। कपि पति नील रीछ पति अंगद नल हनुमान, सीताराम सहित विभीषण अपर जे जूथप कपि बलवान, लखन सियाराम चंद शंकर हरि उमा। बनराज सुग्रीव नील रिच्छराज जामवान अंगद नल और हनुमान बजरंगी तथा विभीषण सहित और जो बलवान बानर सेनापति हैं, कहीं न सकहीं कछु प्रेम बसे, भरी भरी लोचन बारी सीताराम, सन्मुख चितवहि राम तने नयन निमेख निवारी, लखन सियाराम चंद शंकर हरि उमा। वे कुछ कह नहीं सकते, प्रेम बस नेत्रों में जल भर भर कर, नेत्रों का पलक मारना छोड़कर तक तक ही लगाए सन्मुख होकर श्री राम जी को देख रहे हैं। अतिशय प्रीत देखि रघुराई, सीताराम 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 सीताराम, लीने सकल विमान चलाई, सीताराम 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 सीताराम, मन महु विप्र चरण सिरुनायो, सीताराम 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 सीताराम, उत्तर दिशहि विमान चलायो, सीताराम 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 सीताराम। श्री रामचंद्र जी ने उनका से प्रेम देख कर सबको विमान पर चढ़ा लिया, तदंतर मन ही मन विप्र चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। चलत विमान कोलाहल होई, सीताराम 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 सीताराम, जय रघुवीर कहई सब कोई, सीताराम 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 सीताराम,
सिंहासन अति उच्च मनोहर सीताराम 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 श्री समेत प्रभु बैठे तापर सीताराम 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 सीताराम। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा था, सब कोई श्री रघुवीर की जय कह रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है, उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए हैं। राजत राम सहित भामिनी सीताराम 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 संग जनु धने दामिनी सीताराम 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 सीताराम। विमान चले हुए अति आतुर सीताराम 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 कीनी सुमन बृष्टि हर से सुर सीताराम 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 सीताराम। पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला, देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की। परम सुखद चलिति विधि बयारी सीताराम 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 सागर सर झरी निर्मल बारी सीताराम 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 सीताराम। सगुन हो ही सुंदर चहु पासा सीताराम 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 मन प्रसन्न निर्बल नभ आशा सीताराम 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 सीताराम। अत्यंत सुख देने वाली तीन प्रकार की शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। समुद्र तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया, चारों ओर सुंदर सगुन होने लगे, सबके मन प्रसन्न है, आकाश और दिशाएं निर्मल हैं। कह रघुवीर देखु रन सीता सीताराम 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 लक्ष्मण यहाँ हते हुए इंद जीता सीताराम 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 सीताराम। हनुमान अंगद के मारे सीताराम 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 रन मही परे निशाचर भारे सीताराम 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 सीताराम। श्री रघुवीर ने कहा हे सीते रणभूमि देखो, लक्ष्मण जी ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनांद को मारा था, हनुमान जी और अंगद के मारे हुए ये भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं। कुंभकर्ण रावण दुई भाई सीताराम 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 यहाँ ते सुर मुनि दुखदाई सीताराम 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 सीताराम। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए। प्रभु की कृपा भय सब काजू सीताराम 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 जन्म हमारे सुबल भायाजू सीताराम 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 सीताराम। यहाँ से तू बांधे अरुथा पेव शुभ शिव सुख धाम सीताराम सीता सहित कृपा निधि शंभु कीन्ह प्रणाम लखन सिया राम चंद शंकर हरि उमा। मैंने जहाँ पुल बांधा बंधवाया और सुखधाम श्री शिव जी की स्थापना की तदंतर कृपा निधान श्री राम जी ने सीता सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। जहाँ जहाँ कृपा सिंधु बन कीन्ह बासी विश्राम शकल दिखाए जान की कहे सबनी के नाम कहे सबनी के नाम लखन सिया राम चंद शंकर हरि उमा। वन में जहाँ जहाँ करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास किया और विश्राम किया था वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखलाए और सबके नाम बतलाए। श्राम तुरत विमान तहाँ चलिया वा सीताराम 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 जंडक बन जहाँ परम सुहावा सीताराम 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 सीताराम।
कुंभ दादी मुनि नायक नाना सीताराम 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 जय राम सबके अस्थाना सीताराम 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 सीताराम। विमान शीघ्र ही वहाँ चला आया जहाँ परम सुंदर दंडक दंडक वन था और अगस्त आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी इन सब के स्थानों में गए। सकल ऋषि ने तन पाई सीता सीताराम 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 सीताराम। चित्रकूट आई जगदीशा सीताराम 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 सीताराम। कहाँ करी मुनि ने केर संतोषा सीताराम 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 सीताराम। चला विमान जहाँ ते चोखा सीताराम 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 सीताराम। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट आए। वहाँ मुनियों को संतुष्ट किया फिर विमान वहाँ से आगे तेजी के साथ चला। बहुर राम जानकी देखाई सीताराम 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 सीताराम। जमुना कलिमल हरनी सुहाई सीताराम 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 सीताराम। पुनि देखी सुरसरी पुनीता सीताराम 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 सीताराम। राम कहा प्रणाम करु सीता सीताराम 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 सीताराम। श्री राम जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम जी ने कहा हे सीते इन्हें प्रणाम करो। तीरथ पति पुनि देखु प्रयागा सीताराम 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 सीताराम। निरखत जन्म कोटि अघ भागा सीताराम 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 सीताराम। देखु परम पावन पुनि देनी सीताराम 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 सीताराम। हरनी शोक हरि लोक निसेनी सीताराम 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 सीताराम। पुनि देखु अवध पुनि देखो श्याम पुनि देखो अवधपुरी अति पावन सीताराम 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 सीताराम। त्रिविध ताप भय रोग नसावन सीताराम 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 सीताराम। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो जिसके दर्शन से करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम पहुंचाने के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो जो तीनों प्रकार के तापों और भव आवागमन रूपी रोग का नाश करने वाली है। प्रभु की कृपा भय सब काजू सीताराम 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 सीताराम। जिनमें हमारी सुफल भायाजू सीताराम 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 सीताराम। सीता सहित अवध कहूँ कीन कृपालु प्रणाम सीताराम। सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हरि चित राम। लखन सियाराम चंद शंकर हरि उमा। यूं कहकर कृपालु श्री राम जी ने सीता सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। पुनि प्रभु आई त्रिवेणी हर्षित मंजनु कीन सीताराम। कपिन सहित विप्रन कहूँ दान विविध विध दीन। लखन सियाराम चंद शंकर हरि उमा। लखन सियाराम चंद शंकर हरि उमा। उमापति महादेव जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय।
श्याम चरित मानस की जय, रामायण पुराण की जय। कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आय हो सोता करहु पयान। श्रोता सब आसन गए शंभु गए कैलाश, रामायण बैकुंठ गई विदा होई हनुमान। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि उमा। आज की श्री रामचरित मानस का जो संपूर्ण पाठ है, राम संपूर्ण पाठ है भारतवर्ष से उत्तर प्रदेश से बांदा जिले चित्रकूट क्षेत्र पतारी प्रवाह बरेंडा श्री ठाकुर धाम मंदिर स्थाने। जो भी संपूर्ण श्री रामचरित मानस का पाठ चल रहा है वो यहीं पर संपन्न हुआ। अतः आइए समस्त सम्मानित माताएं बहने एवं संत भक्त सम्मानित श्रोता भक्त सभी श्री ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम करें, अपनी आस्था रखें और उनका आशीर्वाद लेकर अपने शुभ स्थान को प्रस्थान करें। इसके बाद कल की संपूर्ण श्री रामचरित मानस पाठ सुनने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। इस समय लंका कांड चल रहा है, अतः प्रभु श्री राम का पुष्पक विमान द्वारा अयोध्यापुरी के लिए प्रस्थान हो चुका है। रास्ते में नाना प्रकार के तीर्थ है, युद्ध सब कुछ है। मातेश्वरी जानकी जी को दिखलाते बताते हुए गंगा त्रिवेणी प्रयागराज सभी के दर्शन करते हुए चले जा रहे हैं। बोलिए श्री ठाकुर जी धाम की जय, अशोक देवता की जय। धन्यवाद। जय राम। लंका कांड का यह वो प्रसंग है, प्रभु अपने जन्मभूमि अयोध्या को प्रस्थान करते हैं। रास्ते में मातेश्वरी जानकी जी को गंगा जी में मंजन स्नान करवाते हैं। अपुनि प्रभु आई त्रिवेणी हर्षित मंजन कीन, कपिन सहित विप्रन कहु दान विविध विध दीन। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और बानर सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, सीताराम 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 सीताराम, नरिबति रूप अवधपुर जाई, सीताराम 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 सीताराम। बरतई कुशल हमारी सुनायहु, सीताराम 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 सीताराम, समाचार लय तुम चलियायहु, सीताराम 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 सीताराम। तदनंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझा कर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को चलो, भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना। तुरत पवन सुत गमनत भयऊ, सीताराम 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 सीताराम, तब प्रभु भरद्वाज पाई गयऊ, सीताराम 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 सीताराम। नाना विधि पुनि पूजा कीनी, सीताराम 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 सीताराम, स्तुति करी पुनि आशीष दीनी, सीताराम 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 सीताराम। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भरद्वाज जी के पास गए। मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की और फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। मुनि पद बंद जुगुल कर जोरी, सीताराम 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 सीताराम, चढ़ी विमान प्रभु चले बहोरी, सीताराम 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 सीताराम। निहानी साध सुना प्रभु आए, सीताराम 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 सीताराम, नाव नाव कहलो बुलाए, सीताराम 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 सीताराम। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे
चले यहाँ जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए तब उसने नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। सुरे सरी नांगी जान तब आयो सीताराम उतर तट प्रभुआय सुपायो सीताराम। तब सीता पूजी सुरसरी सीताराम बहु प्रकार पुनि चरणन परी सीताराम। इतने में ही विमान गंगा जी को लांघ कर उस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिरी। दीने आशीष हरषि मन गंगा सीताराम। सुंदरी तव अहि वाते अभंगा सीताराम। सुनत गुहा धायव प्रेमा कुल सीताराम। आयो निकट परम सुख संकुल सीताराम। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज गुह प्रेम में विह्वल होकर दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर वे प्रभु के समीप आया। प्रभु ही सहित बिलोक भय देही सीताराम। पर अमनि तन सुधि नहीं तेही सीताराम। प्रीत परम बिलोक रघुराई सीताराम। हरषि उठाए लियो उर लाई सीताराम। और श्री जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वे आनंद समाधि में मग्न होकर पृथ्वी पर गिरे पड़ा। उसे शरीर की सुधि ना रही। श्री रघुनाथ जी ने उनका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। श्राम लियो हृदय लाई कृपा निधान सुजान राय रमापति बैठारी परम समीप बूझी कुशल सो करी बीनती। अब कुशल पद पंकज बिलोक बिरंच शंकर से बेजे सुख धाम पूरन काम राम नमामि राम नमन्ते। सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उनको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठा कर कुशल पूछी वह विनती करने लगा। आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं उनके दर्शन करने में अब सकुशल हूँ। हे सुखदाम हे पूर्ण काम श्री राम जी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सब भांति अधम निषाद सो करी भरत ज्यो उर लाइयो मति मंद तुलसी दास सो प्रभु मोहि बस बिसराइयो। यह राम नारी चरित पावन राम पद रति प्रद सदा श्राम राम कामादि हर विज्ञान कर सुर सिद्ध मुनि गावहि मुदा। सब प्रकार से नीत उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय में लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं हे मंद बुद्धि ने इस मंद बुद्धि ने मैंने मोह बसे उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का वह राम पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह कामादि विकारों का हरने वाला और भगवान के
स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। प्रभु की कृपा भयव सब काजू, सीताराम 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 सीताराम, जन्म हमारे सुफल भाया जू, सीताराम 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 सीताराम, समर विजय रघुवीर के चरित जे सुनहिं सुजान, सीताराम विजय विवेक विभूति निते तिनहिं देहिं भगवान, लखन सिया राम चंद शंकर हरि उमा श्याम। जो सुजान लोग श्री रघुवीर की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय विवेक और विभूति ऐश्वर्य देते हैं। यह कलि काल मलायतन मनि कर देखु विचार, सीताराम श्री रघुनाथ नाम तजी नाही न्यान आधार, लखन सिया राम चंद शंकर हरि उमा। अरे मन विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है, इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। मास पारायण 27वां विश्राम इति श्री मद्राम राम चैतमान से सकल कली कलिस विध्वंस ने खस्ता सोपान समाप्त, कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह छठा सोपान समाप्त हुआ। लंका कांड समाप्त। राम श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी बल्लभो विजयते, श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तर कांड। श्लोक केकी कंठा भनीलम सुरबरम बिलसादी प्रमादाभ्यं चिन्हं सौभाख्यम तीतवस्त्रम सर सिजनयनम सर्वदा सुख प्रसन्नम पांडो नाराज चापम कपिनी करयुक्तम बंधुना सेव्यमानम नौमिल्यम जानकी समरघुवर मणि संग पुष्प कारुंडर रामम श्याम। मोर के कंठ की आभा के समान हरि हरिताभ नीलवर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगु जी के चरण कमलों के चिन्ह से सुशोभित शोभा से पूर्ण पीताम्बर धारी कमल ने सदा परम प्रसन्न हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए बानर समूह से युक्त भाई लक्ष्मण जी से सेवित स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। श्री राम कौशलेंद्र पद कंजम मांजूलो कोमलाम बजे महेश बंदितो जानकी करे सरोज ललितो चिन्ह कस्से मन भृगं सांदिनो। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा बंधित हैं। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए हैं और चिंतन करने वाले के मन रूपी भौरे के नित्य संगी हैं, अर्थात चिंतन करने वाले का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। कुंद इंदु श्याम कुंद कुंद इंदु दर गौर सुंदरम अंबिका पति विष्टे सिद्धम रुक जाओ बिट्टू हासी सिद्धम श्याम करुणी कंकल कज्जलोचनम नौमी शंकर रमणम मोचनम
कुंद के फूल चंद्रमा और शंख के समान सुंदर घोर वर्ण जग जननी श्री पार्वती के पति वांछित फल देने वाले दुखियों पर सदा दया करने वाले सुंदर कमल के समान नेत्र वाले कामदेव से छुड़ाने वाले कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभु की कृपा भयव सब काजू सीताराम 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 जन्म हमारे सुफल बायाजू सीताराम 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 सीताराम। जहाँ एक दिन अवधि कर असियारतपुर लोग सीताराम जहाँ तहाँ सोच ही नर नरे कृष्ण राम वियोग लखन सिया राम चंद शंकर हरि उमा। श्री रामचंद्र जी के लौटने की अवधि श्याम का एक दिन बाकी रह गया। अत्योम नगर के लोग बहुत आतुर अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है श्री राम जी क्यों नहीं आए। श्याम शगुन हो ही सुंदर सकल मन प्रसन्न सब केर प्रभु आगमन जनाव जनु नगर रंब सहु फेर। इतने में ही सब सुंदर शगुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जना रहे हैं। कौशल्यादि मातु सब मन आनंद अस हो सीताराम आयो प्रभु श्री अनुज जुते कहान चाहते अब कोई। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता हो कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। भरत नयन भुज दक्षिणे फरकत बारही बार सीताराम जानी सगुन मन हरस अति लागे करन विचार सीताराम। भरत जी की दाहिनी आँख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है उसे शुभ सगुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। रहे एक दिन अवधि अधारा सीताराम 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 समुझत मन दुख भयवे अपारा सीताराम 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 कारण कवन नाथ नहीं आयो सीताराम 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 जानी कुटिल की धाम ही बिसरायो सीताराम 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 सीताराम। प्राणी की आधार रूप अवधि का एक दिन शेष रह गया यह सोचते ही भरत जी मन में आपार मन भरत जी के मन में आपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया। आहा धन्य लक्ष्मण बड़े भागी सीताराम 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 राम पदारो बिंदु अनुरागी सीताराम 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 कपटी कुटिल मोही प्रभु चीन्हा सीताराम 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 ताते नाथ संत नहीं लीना सीताराम 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 ताते नाथ संग नहीं लीना सीताराम 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 सीताराम। आहा हाँ लक्ष्मण बड़े धन एवं बड़ भागी है जो श्री रामचंद्र जी के चरण बिंदु के प्रेमी हैं अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। जाओ श्री राम जाओ करनी समुदय प्रभु मोरी सीताराम 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 नहीं निसतारे कलप सत कोरी सीताराम 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 जन अवगुण प्रभु मान न काऊ सीताराम 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 दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ सीताराम 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 सीताराम। बात भी ठीक है क्योंकि यदि मुझे मेरी
करनी पर ध्यान दे तो 100 करोड़ असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्तार है, छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी ही है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते, वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मोरे जिया भरोस दृढ़ सोई सीताराम 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 सीताराम, मिल है राम सगुन शुभ होई सीताराम 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 सीताराम। बीते अवधि रही जो प्राणा सीताराम 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 सीताराम, अधम कवन जग मोही समाना सीताराम 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 सीताराम। अतियो मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री रामचंद्र जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे सगुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। प्रभु की कृपा भयव सब काजू सीताराम 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 सीताराम, जन्म हमारे सुफल भाया जो सीताराम 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 सीताराम। राम बिरह सागर महाभरत मगन मन होते सीताराम, विप्र रूप धरी पवन सुत आई गय जनु पोते, लखन सिया राम चंद शंकर हरि उमा। श्री रामचंद्र जी के बिरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था, उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धर कर इस प्रकार आ गए, मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। राम बैठ देखी कुशासन जटा मुकुट कृष गात, राम राम रघुपति जपते शवनत नयन जल जात, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि उमा। हनुमान जी राम दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते, और कमल के समान नेत्रों से प्रेमासुओं का जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा। देखत हनुमान अति हरि सो सीताराम 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 सीताराम, पुलक गात लोचन जल बरस्यो सीताराम 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 सीताराम। मन मन महा बहुत भांति सुख मानी सीताराम 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 सीताराम, बोले श्रवण सुधा सम बानी सीताराम 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 सीताराम। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए, उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बरसने लगा, मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान बाणी बोले। जासु बिरह जासु बिरह सोचहु दिन राती सीताराम 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 सीताराम, रटहु निरंतर गुण गन पाती सीताराम 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 सीताराम। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता सीताराम 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 सीताराम, आयो कुशल देव मुनि त्राता सीताराम 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 सीताराम। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते धुलते रहते हैं और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए। रिपुरन जीते सुजस सुर गावत सीताराम 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 सीताराम, सीता सहित अनुज प्रभु आवत सीताराम 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 सीताराम। अपने पापा के लिए सुनत बचन बिसरे सब दुखा सीताराम 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 सीताराम, त्रसावंत जिमी पाई पियूखा सीताराम 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 सीताराम। शत्रु को रण में जीत कर श्री राम जी और लक्ष्मण जी
सहित प्रभु आ रहे हैं, देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए। को तुम तात कहाँ ते आए, सीताराम 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 मोहि परम प्रिय वचन सुनाए, सीताराम 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 मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, सीताराम 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 नाम मोर सुन कृपा निधाना, सीताराम 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 सीताराम। भरत जी ने पूछा, हे दाद तुम कौन हो और कहां से आए हो, जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन पुत्र और जाति का बानर हूँ। मेरा बजरंगी मेरा नाम हनुमान है, दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सीताराम 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 सुनत भरत भेंटे हुए उठे सादर, सीताराम 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 मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, सीताराम 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 नयन समत जल पुल कित गाता, सीताराम 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 सीताराम। मैं दोनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। ये सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। कपि तब दर्श सकल दुख बीते, सीताराम 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 मिले आज मोहि राम प्रीते, सीताराम 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 बार बार बूझी कुशलाता, सीताराम 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 तो कहूँ देव काहे सुन ब्राता, सीताराम 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 सीताराम। भरत जी ने कहा, हे हनुमान तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले मैं तुम्हें क्या दूँ। श्याम जय राम जय जय राम, श्याम जय राम जय जय राम यही संदेश सरिस जग माही, सीताराम 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 करी विचार देखे कछुनाई, सीताराम 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 नाही तात उरी ने मैं तो ही, सीताराम 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 अब प्रभु चरित सुनावहु मोही, सीताराम 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 सीताराम। इस संदेश के समान इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने ये विचार कर देख लिया है, इसीलिए हे तात मैं तुमसे किसी प्रकार भी पूर्ण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित हाल सुनाओ। तब हनुमंत नाई पद माता, सीताराम 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 कह सकल रघुपत गुन गाथा, सीताराम 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 कहू कपि कबहु कृपाल गोसाई, सीताराम 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 असुमि रही मोहि दास की नाही, सीताराम 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 सीताराम। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों को मस्तक नवाकर हनुमान जी की सारी गुण गाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान कहो कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं। निज दास जो रघुवंश भूषण कबहु मम सुमिरन करयो, सुनि भरत बचन बिनीते अति कपि पुलकित चरणनि परयो, रघुबीर निज मुख जासु गुण गने कहत अग जगनाथ जो
काहे न होई विनीत परम पुनीत सद्गुण सिंधु सो। रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की बात मेरा स्मरण करते हैं। भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचारने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं वे श्री रघुवीर अपने श्री मुख से जिनके गुण समूह का वर्णन करते हैं वे भरत जी ऐसे विनम्र परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों ना हो। प्रभु की कृपा भयव सब काजो सीताराम 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 जन्म हमारे सुफल भाया जो सीताराम 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 सीताराम। राम प्राण प्रिय नाथ तुम सत्य वचन ममतात सीताराम पुनि पुनि मिलत भरत सुनी हरस न हृदय समात। हनुमान जी ने कहा हे नाथ आप श्री रामचंद्र जी के को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात मेरा वचन सत्य है। ये सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं हृदय में हर्ष समाता नहीं है। भरत चरण सिरुनाई अतुरित गयो कपि राम तहीं राम कही कुशल सब जाई हरसि चल्यो प्रभु जान चढ़ी। आज चौदस है राम। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौटे गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। हरषि भरत कौशलपुर आए सीताराम 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 समाचार सब गुरु ही सुनाए सीताराम 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 तुनि मंदिर मां बात जनाई सीताराम 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 आवत नगर कुशल रघुराई सीताराम 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 सीताराम। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। सुनत है सकल ये क्या गंदा काम करती हो। बच 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 राम जय राम जय जय राम राम जय राम। सुनत सकल जननी उठ दाई सीताराम 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 कही प्रभु कुशल भरत समुझाई सीताराम 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 समाचार पुरवासी ने पाए सीताराम 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 नगर नर अरुनारी हरषि सब धाये सीताराम 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 सीताराम। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगर वासियों ने ये समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। दधि दुर्बा रोचन फले फूला सीताराम 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 नव तुलसी दल मंगल मूला सीताराम 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 हरी भरी हेम थार धनी सीताराम 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 गावत चली सिंधूर गामिनी सीताराम 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 सीताराम। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही दूध गोरोचन फल फूल और मंगल के मूल नवीन तुलसी दल आज वस्तुएं सोने के थालों में भर भर कर हथनी की सी चल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। लय लय जय राम लय जैसे ही तैसे ही उठ धावेंगे जैसे ही तैसे ही उठ धावेंगे सीताराम 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 सीताराम। बाल प्रेत कहाँ सामने सीताराम 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 रामे एकन कहाँ बूझ बाई सीताराम 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 सीताराम।
तुम देखे दयाल रघुराई, सीताराम 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 सीताराम। जो जैसे हैं जहाँ जिस दशा में है वे वैसे ही वहीं से उसी दशा में उड़ दौड़ते हैं। देर हो जाने से डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते, एक दूसरे से पूछते हैं भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, सीताराम 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 सीताराम। भई सकल शोभा कै खानी, सीताराम 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 सीताराम। भाई सुहावन त्रिविध समीरा, सीताराम 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 सीताराम। राम भई सरजू अति निर्मल नीरा, सीताराम 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 सीताराम। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण 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 शोभा की संपूर्ण शोभा की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी, सरयू अति निर्मल जलवाली हो गई, अर्थात सरयू का जल अत्यंत निर्मल हो गया। सीताराम 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 हमारे फल भाया जो, सीताराम 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 सीताराम। हर सिद्ध गुरु परिजन अनुज भूसुर वृंद समेत, चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपा निकेत। गुरु वशिष्ठ जी कुटुंबी छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ अर्पित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपा धाम श्री राम जी के सामने अर्थात उनकी आगे वाणी के लिए चले। बहुत चढ़ी अतारिन निर कहीं गगन गान, देखी मधुर सुर हर्षित करहिं सुमंगल गान। सीताराम बहुत सी स्त्रियाँ ताइयों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे सुर से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। राकाश रघुपति पुर सिंधु देख हर शान, सीताराम बारो कोलाहल करते जनु नारी करन ये समान। लखन किया राम चंद शंकर हरि उमा, श्री रघुनाथ जी ये पूर्णिमा के चंद्रमा के समान और पूर्ण समुद्र है, जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियाँ उनके तरंगों के समान लगती हैं। यहाँ भान कुल कमल दिवाकर, सीताराम 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 सीताराम। कभी देखा वस नगर मनो हर, सीताराम 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 सीताराम। सुन कभी से अंगद लंकेता, सीताराम 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 सीताराम। पावन पूरी रुचि यह देता, सीताराम 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 सीताराम। यहाँ विमान पर से सूर कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर श्रीरामचंद्र जी बानरों के मनोहर नगर बानरों को मनोहर नगर सिखला रहे हैं। वे कहते हैं हे सुग्रीव हे अंगद हे लंकापति विभीषण, सुनो ये पूरी पवित्र है और ये देश सुंदर है। जय जय सब वे उनके बखाना, सीताराम 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 सीताराम। वेद पुराण जसु जाना, सीताराम 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 सीताराम। अवधपुरी सम प्रिय नहीं तो सीताराम 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 सीताराम। यह प्रसंग जानई को सीताराम 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 सीताराम। ये देवी सब ने वैकुंठ की बड़ाई की है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे ये भी प्रिय नहीं है। ये बात कोई कोई बिरले ही जानते हैं। जन्म भूमि नाम पूरी सुहावन, सीताराम 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 सीताराम। उत्तर दिश यह सरयू पावन, सीताराम 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 सीताराम। उत्तर दिश बह सरयू पावन, सीताराम 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 सीताराम।
जामंजन से भी नहीं प्रयासा सीताराम 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 नम समीप नर पावन बासा सीताराम 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 सीताराम। ये सुहावनी पूरी मेरी जन्मभूमि है, इसके उत्तर दिशा में जीवों के पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मानुष बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास समीप मुक्ति पा जाते हैं। अति प्रिय मोही यहाँ के बासी सीताराम 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 मम धाम दापुरी सुखराशी सीताराम 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 सीताराम। हर से सब कपि सुनि प्रभु बानी सीताराम 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 धन्य अवध जो राम बखानी सीताराम 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 सीताराम। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय है, ये पूरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को लेने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब बानर हर्ष हुए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं श्री राम ने पढ़ाई की वह अवश्य धन्य है। प्रभु की कृपा भयव सब काजू सीताराम 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 जनन हमारे सुफल भाया जो सीताराम 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 सीताराम। आवती देख लोग सब कृपा सिंधु भगवान सीताराम नगर निकट प्रभु प्रेरो तरयो भूमि विमान लखन सियाराम संग शंकर हरि उमा कृपा सागर। भगवान श्री राम जननी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमानों को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की, तब वह पृथ्वी पर उतरा। उतरी कहे प्रभु पुष्प कहीं तुम कुबेर पहीं जाओ सीताराम प्रेरित राम चले उतो हर तू विरह अधिताऊ सीताराम। विमान से उतर कर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। रामचंद्र जी की प्रेरणा से वह चला, उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का अत्यंत दुख भी है। आए भरत संग सब लोग सीताराम 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 अकृत तन श्री रघुवीर वियोगा सीताराम 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 सीताराम। वाम देव वशिष्ठ मुनि नायक सीताराम 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 देखे प्रभु मई धरि धनुषायक सीताराम 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 सीताराम। व्रजी के साथ सब लोग आए, श्री रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ आदि श्रेष्ठों को देखा तो उनको धनुष बाण पृथ्वी पर रख कर जाए धरे गुरु चरण सरोरु सीताराम 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 धनुष सहित अति पुलक तनोरु सीताराम 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 सीताराम। बेटी कुशल बूझी मुनि राया सीताराम 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 हमरे कुशल तुम हमारे कुशल तुम्हारी जाया सीताराम 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 सीताराम। छोटे भाई लक्ष्मण सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए, उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ ने उठकर उन्हें गले लगाकर कुशल पूछी, प्रभु ने कहा आप ही की दया से हमारी कुशल है। सकल दुजन मिलनाय उमाता सीताराम 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 धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा सीताराम 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 सीताराम। कहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज सीताराम 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 नमत जी नहीं सुर मुनि शंकर अज सीताराम 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 सीताराम। धर्म की धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु
के वे चरण कमल पकड़े जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी नमस्कार करते हैं। राम जय राम जय जय राम परे भूमि नहीं उठते उठाए सीताराम 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 गरु करी कृपा सिंदूर लाए सीताराम 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 श्यामल गात रोम बैठाड़े सीताराम 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 नवराज बाड़े सीताराम 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 भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं उठाए नहीं उठते तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेमासुओं की जल की बाढ़ आ गई। प्रभु त्रिभुवन धनी प्रभु मिलन अनुजहि को पाई जाति नहीं उपमा कहीं दनु प्रेम अरु सिंगार सन धरी मिले पर सुख मालही कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है। सुंदर शरीर में पुलकावली अत्यंत शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे सुशोभित हो रहे हैं उसकी उपमा मुझे से कही नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए। बूझत कृपा सिंधु कुशल भरत बचन बेगना राम बूझत कृपा निधि कुशल भरत बचन बेगन आवई सुन शिवा को सुख बचन मन से भिन्न जान जो पावई अब कुशल कोशल नाथर सन जियो बूढ़त गिरहे बारी धान मोहि कर गही लियो बजरंगी के पानी धान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं परंतु आनंद बस भरत जी मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। शिव जी कहते हैं हे पार्वती सुनो ये सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे हैं उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा हे कुशलनाथ आपने आर्त दुखी जानकर दास को दर्शन दिए इससे अब कुशल है ग्रह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा ध्यान ने हाथ पकड़कर बचा लिया। प्रभु की कृपा भयव सब काजू सीताराम 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 जन्मे हमारे सुफल बायाजू सीताराम 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 सुनी प्रभु हर सित सत्मन भेते हृदय लगाई सीताराम लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई परम प्रेम दो भाई लखन सियाराम शंकर हरि उमापति महादेव जय पवन सुत हनुमान जय बोलो भाई सब संतन जय श्रोता सब आसन गए शंभु गए कैलाश रामायण गई विदाओं शंकर हरि उमापति महादेव जी जय सोन सुत हनुमान जी जय गोस्वामी तुलसीदास जी जय लो भाई सब संतन की जय श्री राम चरितमानस की जय रामायण पुराण की जय। आज की कथा यहीं पर संपन्न होती है। अतः आए हुए समस्त सम्मानित माताएं बहनें एवं सम्मानित क्षेत्रवासी संत भक्त सभी श्री ठाकुर जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करें अपनी आस्था रखें उनका आशीर्वाद लेकर के अपने शुभ स्थान को प्रस्थान करें। अतः
कल की हनुमान जयंती की कथा सुनने के लिए आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रभु श्री राम अपनी जन्मभूमि अयोध्या पहुंच चुके हैं। इसका प्रसंग गौर भरत जी के पास ठहरे हुए हैं। यहाँ से जो है अगला प्रसंग कल आप हनुमान जयंती के शुभ दिन में सुनेंगे। धन्यवाद। बोलिए अशोक देवता की जय। श्री ठाकुर विधान की जय। राम जी यहाँ कहीं भी हो अत्यंत उपस्थित हो जाए। राम श्री राम जय राम जय जय राम। आज हनुमान जयंती है, अतः बहुत भक्तों में उत्साह देखा जा रहा है। राम कथा प्रारंभ होते है, सुनो वीर हनुमान। लय लय आसन बैठिए वीर वीर मलखान। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि उमा। उत्तरकांड का प्रसंग चल आख्यान चल रहा है। धन्यवाद। प्रस्तुति श्री श्री 108 श्री आचार्य जी श्री ठाकुर जी धाम मंदिर पतारी प्रवा। पुनि प्रभु हर सत्य धन भेटे हृदय लगाई। सीताराम लक्ष्मण भरत मिले तबे परम प्रेम दो भाई। लखन सिया राम चंद शंकर हरि उमा। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेटे सीताराम। सीताराम 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 दुसह बिरह संभव दुख नेते। सीताराम 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 सीता चरण भरत सिरुनावा। सीताराम 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 अनुज समेत परम सुख पावा। सीताराम 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 सीताराम। इस समय प्रभु श्री राम अपनी जन्मभूमि अयोध्या जी में पहुंच चुके हैं। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगकर मिले और इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुसह दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभु बिलोक हरे से पुरवासी। सीताराम 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 जनित वियोग विपत सब नाशी। सीताराम 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 प्रेमातुर सब लोग निहारी। सीताराम 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 कौतुकीन कृपाल खरारी। सीताराम 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 प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गया। राम सब राम जय राम जय राम जय राम जय जय राम। राम सब लोगों को प्रेम सहित और मिलने के लिए अत्यंत आतुर देखकर घर के शत्रु कृपालु श्री राम जी नमस्कार किया। अमित रूप प्रगटे कहीं काला। सीताराम 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 यथा जोग मिले सब ही कृपाला। सीताराम 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 कृपा दृष्टि रघुबीर बिलोकी। सीताराम 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 किए सकल नरे नारे बिशोकी। सीताराम 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 सीताराम। उसी समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सब से एक ही साथ यथा योग मिले
श्री रघुवीर ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नारियों को शोक से रहित कर दिया। छन मही सब ही मिले भगवाना, सीताराम 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 सीताराम, उमा मरम यह काहू न जाना, सीताराम 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 सीताराम, यही विधि सब ही सुखी करी रामा, सीताराम 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 सीताराम, आगे चले सील गुण धामा, सीताराम 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 सीताराम। भगवान क्षण भर में सबसे गले मिले, हे उमा यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार श्री राम सील और गुणों के धाम, श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौशल्या दिमा तू सब धाई, सीताराम 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 सीताराम, निरख वच्छ जनु धेन लवाई, सीताराम 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 सीताराम। कौशल्यादि माताएं ऐसे दौड़ी मानो नई व्यापी हुई, ए गाँवें हमने बच्चों को देखकर दौड़ी हो। जनु धीनु बालक वच्छ तज ग्रह चरण बन पर बस गई, दिन अंतपुर रुख संवरत हन हुंकार करी धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी, बचन मृदु बहु विधि कहें, गई विषम विपति वियोग भव तिन हरत सुख अगणित लहे। मानो नई व्यापी हुई गाँवें अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़ परवश होकर बन चरने गई हूँ, और दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके ठन से दूध श्राम गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हूँ। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार से कोमल वचन कहे, वियोग से अत्यंत भयानक विपत्ति दूर हो गई, और सबने भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष प्राप्त हुए। बोलो राजा रामचंद्र की जय। प्रभु की कृपा भयब सब काजू, सीताराम 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 सीताराम, जन्म हमारे सुफल बायाजू, सीताराम 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 सीताराम, भेंट वो तन सुमित्रा राम चरण रति जानी, राम ही मिलत कहके हृदय बहुत सकुचानी, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि उमा। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री राम के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली, श्री राम जी से मिलते समय कहके जी हृदय में बहुत सच्चाई, लक्ष्मण सब मातन मिली हरस आशीष पाई, कहके कहा पुनी पुनी मिले, मन कर छो भुन जाए, मन कर छो भुन जाए, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि उमा। श्याम लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए, वे कहके जी से बार बार मिले, परंतु उनके मन का क्षोभ रोष नहीं जाता। सासुन सबनी मिली बैदे, सीताराम 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 सीताराम, चरणन लागी हर सुअतुते, सीताराम 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 सीताराम, असीस बूझ कुशलाता, सीताराम 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 सीताराम, होइ अचल तुम्हारे यही बाता, सीताराम 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 सीताराम। जानकी जी सब सासुओं से मिली और उनके चरणों लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। श्री राम सब रघुपति मुख कमल बिलो कहीं, सीताराम 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 सीताराम,
मंगल जानी नयन जल रो कहीं सीताराम 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 कनक थार आरती उतारहीं सीताराम 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 बार बार प्रभु गात निहारहीं सीताराम 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 सीताराम। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं, नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़े आते हैं, परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोक रखती हैं, सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के श्री अंगों की ओर देखती हैं। नाना भांति निछावर करहीं सीताराम 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 परमानंद हरत उर भरहीं सीताराम 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 सीताराम। कौशल्या पुनि पुनि रघुवीरहीं सीताराम 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 सीतावती कृपा सिंधु रन धीरहीं सीताराम 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 सीताराम। अनेकों प्रकार से निछावरें करती हैं और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रही हैं कौशल्या जी, बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर श्री रघुवीर को देख रहे हैं। हृदय विचार की बारही बारा सीताराम 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 कौन भांति लंका पति मारा सीताराम 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 सीताराम। अति सुकुमार जुगुल मेरे वारे अति सुकुमार जुगुल मेरे बारे सीताराम 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 सीताराम। निशचर सुभट महाबल भारे सीताराम 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 सीताराम। वे बार बार हृदय में विचारती हैं कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा, मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बलि थे। प्रभु की कृपा भय विष बिकायु सीताराम 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 जन्म हमारे सुफल भायाजु सीताराम 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 सीताराम। लक्ष्मण अरु सीता सहित प्रभु ही बिलोकति मातु परमानंद मगन मन पुन पुन पुलकित गातु लखन सिया राम चंद शंकर हरि उमा। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही हैं, उनका मन परमानंद में मगन है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। लंका पति कपीश नल नीला सीताराम 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 जामवंत अंगद शुभ शीला सीताराम 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 सीताराम। हनुमा हनुमा राम हनुमा हनुमा दादी सब बानर बीरा सीताराम 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 सीताराम। जो कुछ प्रणाम करता हूँ ये ऐसे बस सीताराम 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 सीताराम। धरे मनोहर मनुज सरीस राम जामवंत अंगद शुभ शीला सीताराम 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 सीताराम। हनुमा दादी सब बानर वीरा सीताराम 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 सीताराम। धरे मनोहर मनुज सरीरा सीताराम 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 सीताराम। लंकापति विभीषण बानर दास जी नल नील जाम मानोर अंगद तथा हनुमान जी आदि उसी उत्तम स्वभाव वाले वीर बानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए। भरत स्नेह शील व्रत ने माँ सीताराम 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 सीताराम। सादर सब वरनय अति प्रेमा सीताराम 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 सीताराम। देखे नगर वासिन कैरी थी
सीताराम 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 सकल सराहाई प्रभु पद प्रीति सीताराम 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 सीताराम। ये सब भरत जी के प्रेम सुंदर स्वभाव त्याग के व्रत और नियमों के अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक बड़ाई कर रहे हैं और नगर वासियों को प्रेमशील और विनय से पूर्ण रीति देकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। उन्हें रघुपति सब सखा बोलाए सीताराम 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 उन पद लागहु सकल सिखाए सीताराम 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 सीताराम। गुरु वशिष्ठ कुल पूज हमारे सीताराम 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 इनकी कृपा जन जन मारी सीताराम 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 सीताराम। फिर श्री रघुनाथ जी ने सब माताओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगो हे हे। ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं, इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए हैं। ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे सीताराम 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 भय समर सागर कहाँ बेरे सीताराम 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 सीताराम। मम हित लाग जनन निहारे सीताराम 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 भरतहुँ ते मोहि अधिक प्यारे सीताराम 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 सीताराम। फिर गुरु जी ने कहा हे ये सब मेरे सखा हैं, ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बेड़े जहाज के समान हुए, मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए, अपने प्राणों तक को होम दिया, ये मुझे भरत भरत जी से अधिक दिया है। सीताराम 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 सुनी प्रभु बचन मंगन सब भये सीताराम 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 निमिख निमिख उपजत सुख नये सीताराम 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 सीताराम। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मगन हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। प्रभु की कृपा भय सब काजू सीताराम 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 जन्म हमारे सुफल बायाजू सीताराम 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 सीताराम। कौशल्या के चरण निपुण तिन नायउ माँ सीताराम आशीष दीने हरषि तुम प्रिय मम निज रघुनाथ जिमि रघुनाथ लखन सिया राम चंद शंकर हरि उमा। फिर उन लोगों ने कौशल्या के चरणों में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीषे दी और कहा तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। सुमन बृष्टि नभ संकुल भवन चले सुख कंद सीताराम चढ़ी अतारिन देखहिं नगर नारी नर दंड लखन सिया राम चंद शंकर हरि उमा। आनंद कंद श्री रामचंद्र जी अपने महल को चले, आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया, नगर के स्त्री पुरुषों के समूह
अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। कंचन कलश विचित्र संवारे सीताराम 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 सब ही धरे सजिन जिन निज द्वारे सीताराम 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 बंदन वार पताका के तू सीताराम 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 सब ही बनाए मंगल हे तू सीताराम 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 सीताराम। सोने के कलशों में विचित्र रीत से मणि रत्नों रत्नादि से अलंकृत कर और सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख लिया। सब लोगों ने मंगल के लिए बंदनवार ध्वजा और पताकाएं लगाई। दीपी सकल सुगंध सिंचाई सीताराम 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 गज मन रचि बहु चौक पुराई सीताराम 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 नाना भांति सुमंगल साजे सीताराम 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 हरषि नगर निशान बहु बाजे सीताराम 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 सीताराम। सारी गलियां सुगंधित डब्बों से सिंचाई गई गजा मुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौके पुराई गई। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्ष पूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। जहाँ तहाँ नारी निछावर करहीं सीताराम 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 यहीं अशीष हर्ष उर भरहीं सीताराम 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 कंचन थारे आरती नाना सीताराम 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 ज्यूटी सजे करहीं शुभ गाना सीताराम 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 सीताराम। स्त्रियाँ जहाँ तहाँ निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी युवती सौभाग्यवती स्त्रियाँ सोने के थालों में अनेकों प्रकार की आरती सजाकर मंगल गान कर रही हैं। कर रही आरती आरती हर के सीताराम 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 जगह कुल कमल भी तीन दिन करके सीताराम 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 पूरे शोभा संपत्ति कल्याणा सीताराम 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 निगम शेष शारदा बखाना सीताराम 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 सीताराम। वे आरती हर दुखों को हरने वाले और सूर्य कुल रूपी कमल बन के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की आरती कर रही हैं। नगर की शोभा संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं। केहू यह चरित्र देख ठगी रही सीताराम 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 माता से गुण नर किमि कहाई सीताराम 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 सीताराम। परंतु ये भी ये चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं स्तंभित हो रहते हैं। शिव जी कहते हैं हे उमा तब भला मानुष उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। प्रभु की कृपा भयव सब काजो सीताराम 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 जन्म हमारे सुफल बायाजो सीताराम 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 सीताराम। नारी कुमुदनी अवध सर रघुपति विरह दिनेश सीताराम अष्ट भय विकसत भई निरखि राम राकेश लखन सिय राम चंद शंकर हरिमा। स्त्रियाँ कुमुदनी हैं अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर है। इस विरह सूर के जाम तपने से मूर्छा गई थी। अब उस विरह रूपी सूर के अस्त होने पर श्री रामचंद्र जी रूपी पूर्ण चंद को राम निरख कर वे खिलूठे। हो ही सगुन शुभ विविध विधि बाजे गगन निशान अपुर नर नारी सनाथ करी भवन चले भगवान लखन सिया राम चंद शंकर हरि उमा। अनेकों प्रकार के शुभ सगुन हो रहे हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों की सनाथ दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले। प्रभु जानी कह के
लीला जानी। सीताराम 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 प्रथम ता सुग्रह गए भवानी। सीताराम 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 ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना। सीताराम 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 पुन निज भवन गमन करी कीना। सीताराम 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 सीताराम। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो गई हैं, इसलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझा कर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। कृपा सिंधु जब मंदिर गए सीताराम 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 पुर नर नारी सुखी सब भये। सीताराम 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 गुरु वशिष्ठ निज लिए बुलाई। सीताराम 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 आज सुघरी सुदिन समुदाई। सीताराम 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 सीताराम। कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी सुंदर दिन, आज सभी शुभ योग्य हैं। सब दुज देहु हरसि अनुशासन। सीताराम 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 रामचंद्र बैठहि सिंहासन। सीताराम 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 मुनि वशिष्ठ मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए। सीताराम 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 सुनत सकल वृपन अति भाए। सीताराम 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 सीताराम। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए जिससे मैं श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ जी मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। काहे वचन मृदु विप्र अनेका। सीताराम 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 जगे अभिराम राम अभिषेखा। सीताराम 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 अब मुनिवर विलंब नहीं की जय। सीताराम 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 महाराज कहूँ तिलक करी जय। सीताराम 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 सीताराम। वे सब अपने अनेकों ब्राह्मणों को कोमल वचन कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ अब विलंब ना कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। प्रभु की कृपा भयव सब काजू। सीताराम 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 जन्म हमारे सुफल भायाजू। सीताराम 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 सीताराम। तब मुनि कहऊ सुमंत सन सुनत चले हर साई। सीताराम रथ अनेक बहुबाज गज तुरत समारे जाए। तुरत समारे जाए। लखन सिय राम चंद्र शंकर हरि उमापति महादेव जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। लो भाई सब संतन की जय। श्री रामचरित मानस की जय। रामायण पुराण की जय। हनुमान जयंती की जय। शोक देवता की जय। कथा विसर्जन होते सुनो वीर हनुमान जयता करो प्रयान श्रोता सब आसन गए। शंभु गए कैलाश रामायण वैकुंठ गई। विदा हो हनुमान लखन सिय राम चंद शंकर हरि उमा राम। आज की कथा यहीं पर संपन्न हुई। अतः हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में आए हुए समस्त सम्मानित माताओं बहनों एवं संत भक्त सभी श्री ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम करो। अपनी आस्था रखो और उनका आशीर्वाद लेकर अपने शुभ स्थान को प्रस्थान करो। अतः कल किसी संपूर्ण श्री रामचरित मानस पाठ सुनने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। बोलिए श्री ठाकुर जी धाम की जय।